विकासशील समाजवादी पार्टी कानपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार प्रजापति ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के साथ में जो व्यवहार किया है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान, चाहे वो मजदूर हो या प्रवासी, सभी लोगों को जिस तरीके से कोरोना की आड़ में भारी तरीके से उनका पीड़न शोषण करने का काम किया है, आज स्थिति खराब हो चुकी है। या तो व्यवसाय बंद हो चुका है या तो बंद होने के कगार में है। व्यापारी परेशान हैं। व्यापार के साथ साथ जो लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, गरीब परिवार परेशान हैं। किसानों की हालात ये हैं कि आवारा जानवर से जिस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी गौ माता कहकर सरकार बनाई गई है, आज गाय के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तथा आज जानवर कट रहे हैं। आज के समय महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 6-6 साल की बच्चियों के साथ जिस तरह की घिनौनी हरकत हो रही है, गैंगरेप हो रहे हैं, गौ हत्या हो रही है और उत्पीड़न हो रहे हैं, इस तरीके से हर इंसान परेशान है। ऐसी सरकार ना हो तो अच्छा है और हमारी प्रगतिशील समाजवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ये बड़ी ही निंदनीय घटनाएं पूरे जनमानस के साथ हो रही हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे जनता के साथ में है, सरकार को जगाने के काम कर रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री को अपने ज्ञापन के माध्यम से हम लोग अवगत कराने के काम कर रहे हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें सुधार किया जाए। समाज पार्टी के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे लगातार ट्रोल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी और प्रगति समाज पार्टी। 22 में क्या रणनीति, किस तरह से क्या विचारधारा रहेगी? हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में, कानपुर जनपद पूरे प्रदेश में अपनी तैयारी कर चुकी है और हर जगह हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी तैयारियां बूथ स्तर तक हो चुकी हैं। जहां तक चुनाव की बात है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का जो निर्णय होगा उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। गठबंधन को लेकर कुछ दुर्व्यवहार नहीं चल रही अभी? गठबंधन की जहाँ गठबंधन की मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है इस तरह की जी गठबंधन की बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कई बार कहा है कि समाजवादी पार्टी से हम लोगों का गठबंधन होगा और समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य जो भी दल हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ में 2022 के चुनाव में गठबंधन होगा और गठबंधन से हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे और सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवपाल सिंह यादव जी 2022 के होंगे।